सर गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सर गाइज हम आपके लिए आए हैं वीकली क्विज़ एक और बार और हमने पिछली बार इसको इसलिए रोक दिया था क्योंकि हमने बहुत सारी वीकली क्विज़ की वीडियो बनाई थी और मैं सोचा अब इसका एक सीज़न टू ले so आए सो गाइस अब हर संडे आपके लिए एक वीकली क्विज आती रहेगी तो आज ये देखते हैं और अगले संडे फिर से आ रहेगी हमारी क्विज़ ओके सो लेट स्टार्ट सो पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं क्विज़ के बारे में गाइज रूल्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो सो ये आ चुके हैं हमारे रूल्स आपको इसमें टोटल टेन क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको टेन सेकेंड्स दिए जाएंगे आंसर करने के लिए और गाइज ये एक एम टाइप क्विज़ होगी मतलब इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से एक चूज़ करना है आपको जो कि वो सही है और चौथा रूल है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, करना है वीडियो को लाइक करना है प्लीज़ कर दो एनी वेज गाइज चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सो so गाइज हमने इसमें एक और रूल ऐड कर दिया कि आपको एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर हम अपनी अगली क्वेश्चन में बताएंगे लेट्स स्टार्ट इट नाउ ओके सो आ चुका है हमारा पहला क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड तो जो कोरल रीफ्स होती है आपको वो बतानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है आपके ऑप्शन हैं ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट कैस्पियन रीफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ या ग्रेट टाउकन रीफ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ टाइम अप सो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ गाइज ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक कोरल रीफ है जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ओके okay, सो so अब मरते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर वो है गाइस, जिसका आप लोगों को पता ही होगा विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी आपको ये बताना है आपके ऑप्शन है रशिया चाइना इंडिया या यू एस एर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइज टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन ए रशिया गाइस रशिया है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज और सेकंड नंबर पर इस लिस्ट में है कनाडा नंबर थ्री पर चाइना नंबर फोर पर यूएसए नंबर फाइव पर है इसमें ब्राज़ील नंबर सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर सेवन पर इंडिया सो so, आ चुके हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर विच इज़ द लार्जेस्ट बीच इन द वर्ल्ड जो बीचेस होते हैं हमारे तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा बीच कौन सा है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइज टाइम अप इसका आंसर है प्रासियाडो कैसिनो यानी कि ऑप्शन सी गाइज ये ब्राज़ील में एक बीच है और दुनिया का सबसे बड़ा बीच है सो गाइस चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें सबसे बड़ा सेलाइबरी ग्लैंड कौन सा होता है आपको ये बताना है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन सी लिवर गाइस लिवर है हमारा सबसे बड़ा सेलाइबरी ग्लैंड अगर आपको पता है इस लाइब्रेरी ग्लैंड क्या होते हैं तो ये हमारे माउथ में सलाइवा बनाने में हेल्प करते हैं जिससे कि हम खाना अच्छे से चबा सकते हैं और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं चबा चबा के क्योंकि सलाइवा हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से खाना ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड बन जाता है या ज़्यादा अगर हम चबाएं तो वो लिक्विड बन सकता है सो so गाइस बढ़ते पाँचवें क्वेश्चन पर और वो है कि चेस कहाँ पर इन्वेंट हुई थी वेयर वॉज चेस इन्वेंटेड आपके ऑप्शन है यूके रशिया इंडिया या यूएसए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस टाइम अप। इस आंसर ऑप्शन सी इंडिया गाइस चेस सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट हुई थी दो कई कंट्रीज दावे करती है कि उन्होंने इन्वेंट की थी लेकिन इसका असली आंसर इंडिया है पहुंच चुके हैं अपने छवे क्वेश्चन पर हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्प्रेयर सो गाइज मुगल्स आपको पता ही होगा इंडिया पर उन्होंने वो आए थे इब्राहिम लोडी को और आकर आपको एक हिंट भी देते हैं इसके लिए सो so, आपको बताना है कि वो पहले मुगल एम्प्रेयर कौन से थे योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइज टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन डी बाबर गाइस बाबर अफ़गानिस्तान से इंडिया आए थे इब्राहिम लोदी को हराने और उन्होंने उसको हरा भी दिया था उसके बाद इंडिया के ही वो राजा बन गए मेरा मतलब इंडिया में कुछ प्रोविंसेस उन्होंने हेल्प कर ली और उसके बाद वहाँ पर उसके बाद जब वो मर गए तो उनके बेटे हुमायूं आए उसके बाद अकबर फिर जहांगीर फिर शाहजहाँ उसके बाद औरंगज़ेब और ऐसे ही बहुत मुगल एम्पायरस आए औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो बाकी रूलर्स थे वो इंडिया को उतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि औरंगज़ेब तक मुगल्स ने बहुत बड़ा एरिया इंडिया का कवर कर लिया था तो उसके बाद इतनी बड़ी प्रोविंस संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था मुगल्स के लिए एनीवेज बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर विच इज़ हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अब आपको आपने कभी सोचा ही होगा कि हार्डेस्ट थिंग क्या होगी पूरी दुनिया में तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा दस सेकेंड होने के बाद यह टाइम स्टार्ट स्नौ गाइज टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन ए डायमंड गाइस जो हमारा कोल होता है अगर उसको हम बहुत ही तगड़ी इमेंसली हीट पर अगर हम उसको जलाते रहें जलाते रहें जलाते रहें तो पहले तो वो ग्रेफाइट बन जाएगा लेकिन अगर हम उसको उतनी ही ट्रिमेंडस उससे भी जा, कहीं ज़्यादा ट्रिमेंडस हीट पे गर्म करते रहें तो डायमंड बन जाएगा और डायमंड है इसका सही आंसर ऑप्शन ए बढ़ते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन पर और आठवां क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द सॉफ्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अब हार्ड डिस्क का सॉफ्टेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइस टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन डी टैल्क सो गाइस टैलकम पाउडर जो होता है हमारा उसमें ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है और ये दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट चीज है आप लोगों में से ज़्यादातर ने सोचा होगा कॉटन लेकिन इसका जवाब कॉटन नहीं है इसका जवाब है ऑप्शन डी कोई बात नहीं गाइस चलते हैं अब नौवे क्वेश्चन की ओर सो गाइस व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो गाइस इस क्वेश्चन से पहले मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको पहले ही हिंट दे देता हूँ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है बहुत अजीब सी बात है ना एनीवेज आप इस क्वेश्चन का आंसर करो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइज टाइम अप इसका आंसर ऑप्शन सी सेवन पॉइंट फाइव मीटर सो गाइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सेवन पॉइंट फाइव मीटर मतलब कि इसको राउंड ऑफ कर दो सेवन पॉइंट फाइव मीटर एक राउंड ऑफ चीज़ इसका मतलब कि हमने सेवन पॉइंट फाइव मीटर को अप्रोक्सीमेट कर दिया है तो इतनी लंबी चीज़ आपकी बॉडी में है मतलब कि आपसे भी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम आपकी हाइट के साथ कंपैरिजन करें तो भी वो बहुत लंबी चीज़ है ओके okay, बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर वो है लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और कोई चीज देखनी हो नॉलेज गेन करनी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर जो है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ सो so, गाइस पिछले क्वेश्चन में आपको पहले हिंट दिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है सो so, अब आपको इसको आंसर करना है योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइस टाइम अप इसका आंसर है ऑप्शन ए वन पॉइंट फाइव मीटर सो गाय स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इतनी लंबी चीजें हैं और वो आपकी बॉडी में है बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है ये और तो और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है ये बात याद रखना तो इसी इस के साथ इसका आंसर है ऑप्शन ए वन पॉइंट फाइव मीटर सो so गाइस अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन तो हो चुका है इसी के साथ खत्म और वो है कि आपको ये बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड तो आपको बर्ड्स की कई प्रजातियाँ आपने देखी होंगी तो उनमें सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है ऑप्शन ए स्पैरो ऑप्शन बी ईगल ऑप्शन सी एंट ऑप्शन डी हमिंग बर्ड सो so गाइस अगली क्विज़ के लिए ये ऑप्शन आप तैयार रखना और अगर आपको अभी आंसर पता है तो कमेंट्स में जाकर लिख दो तो, और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा क्या है असली आंसर ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली क्विज़ में इसका आंसर ज़रूर आपको मिल जाएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब